आगामी 14 नवंबर को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से बाल दिवस के मौके पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर बसाई गई आवासीय योजना नया मुरादाबाद के इको हर्बल पार्क में बाल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। बाल दिवस कार्यक्रम को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का रैली पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मौजूद रहे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा बताया गया कि हम अपने शहर के बच्चों के लिए एक मेले का आयोजन कर रहे हैं। बाल दिवस पर एक प्रतियोगिता भी आयोजित कराई जा रही है, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग एवं कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। इस प्रतियोगिता में बच्चों के लिए मनोरंजन के सभी साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मेले में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, 14 नवंबर को हर्बल पार्क जो नया मुरादाबाद में स्थित है, वहाँ पर मुरादाबाद के बच्चों और यहाँ के जितने भी अलग अलग आयु वर्ग के सभी नागरिकगण हैं, सबके बेनिफिट के लिए हम लोग एक बाल मेला का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे बैंकिंग पार्टनर के तौर पर HDFC बैंक और हमारे मीडिया पार्टनर के तौर पे समस्त यहाँ के जो हमारे लीडिंग समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स हैं, उन सभी लोगों के सहयोग से हम लोग एक इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इसमें सुबह जो है 8 बजे से एक मैराथन रेस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर के सभी सम्मानित नागरिकगण और बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। ये रेस हमारी प्रारंभ होगी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ऑफिस के सामने से हर्बल पार्क तक। उसके बाद से मेन इवेंट हमारी होगी 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक इवेंट चलेगी। इसमें बच्चों के लिए और विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए इसमें तरह तरह की इवेंट्स हम लोग करवाएंगे, जिसमें कि तरह तरह के डांस, सिंगिंग कंपटीशन, हमारा जो है ड्राइंग का कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, साथ में तरह तरह के गेम्स जो हैं, जो कि बच्चों के लिए अच्छी तरीके से उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, उस प्रकार से हम लोग उसमें गेम्स आयोजित करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर अच्छे फूड स्टॉल्स भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं, तो जो बाल दिवस है उस पर जो है फुल डे एक बच्चों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, उसका हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इस पूरे प्रोग्राम की थीम है, वो हम लोगों ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को इसका थीम रखा है, इसके प्रति भी बच्चों को और विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे। क्या अपील है सभी हमारे जो नागरिकगण हैं, सम्मानित साथीगण हैं, सबसे मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करें। इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई एंट्री फीस नहीं है और पूरी तरीके से ये पार्टिसिपेटिव कार्यक्रम है, जिसमें कोई इन्विटेशन की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग आकर के अपनी इच्छानुसार वहाँ पर समय दे सकते हैं, किसी भी कार्यक्रम में ओपन रूप से प्रतिभाग कर सकते हैं, और आकर्षक हम लोगों ने उसमें प्राइजेज भी रखे हैं, उपहार भी रखे हैं, तो उनको भी जीतने का अच्छा मौका है।